मन तो नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, मगर पर इट्स अ मेमोरेबल, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। अभी तो ये आप नीचे देख लीजिए भाई, छठ मैया की पूजा अर्चना करते हुए जो अपने बिलोंग करते हैं यूपी बिहार से लोग। और मतलब खराब चीज़ अभी क्या लग रही है कि ये देखिए जो झाग केमिकल वाला झाग पानी में तैरता हुआ, और ऐसे ही झाग में पूजा करने को मजबूर ये लोग। मगर फिर भी ऊपर जितना हो सकता है साफ सफाई इन्होंने रखी हुई है, शाम का भी टाइम है तो थोड़ा सा विजिबिलिटी का इशू रहेगा। और ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मतलब ये सरप्राइज था मेरे लिए कि यहाँ पे मुझे ऐसा व्यू मिल सकता है पहुँचते हुए। और ये देखिए लेडीज को यहाँ पे, मतलब कितना सूर्य को अर्घ देते हुए। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मेरा, नहीं तो टीवी पे देखने को ये मिलता था छठ मैया की पूजा का, जो अपना ये बहुत बड़ा पर्व शायद ये बहुत बड़ा त्यौहार ये रहता है यूपी बिहार में। इवन विदेशों में भी रह रहे जो भी यूपी बिहार के लोग होते हैं वो भी बहुत धूमधाम से इसे मनाते हैं। तो फर्स्ट टाइम आज एक्सपीरियंस मेरा था ये छठ मैया की पूजा अर्चना जो है ये होते हुए देखना, और बहुत ही अच्छा अनुभव। किस नाम से? अभी नया है यार, अभी मेरा है परमार साहब व्लॉग से, तो आज मैं पहली बार देखने को मिला मेरे को भी ये। पता है क्या हो रहा है ये? हाँ। क्या हो रहा है? पूजा। कौन सी पूजा? पता नहीं। ये हो रही है छठ पूजा, यहाँ लोकल हो यहाँ के? हाँ। सुना है ना टीवी में जैसे बहुत बड़ा त्योहार होता है यूपी बिहार के जो लोग होते हैं ना वहाँ पे छठ मैया की पूजा जो होती है, तो अभी ये अर्घ दे रहे हैं, वो देख रहे हैं वहाँ पे लेडीज को ना पानी में खड़े होके, तो ये अर्घ दे रहे हैं अभी सूर्य डूबते सूरज को। तो मतलब बिना खाए पिए बिना पानी पिए ये पूजा, मेरे ख्याल मेरे को भी इतना पता नहीं है, शायद 2-3 दिन ये होती है, और लेडीज जो है बिना कुछ खाए पिए इसको व्रत को रखती हैं। मैं हिमाचल से हूँ घूमने आ गया हूं। ना मैं यहाँ राजपुरा में जॉब करता हूँ। क्या नाम से चैनल है? परमार साहब व्लॉग्स फोन है, मैं करा दूं सब्सक्राइब अभी। और इससे अच्छा क्या मिले यार, फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा भी ये। एक यमुनानगर में भी बहुत ज्यादा रहा। ठीक है, थैंक यू छोटू, देखना जरूर वीडियोस। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपको मतलब एक होता ना कि ब्लॉगर वाली फीलिंग आज आ गई, जैसे बड़े बड़े ब्लॉगर्स के देखते हैं भाई आपका भी यूट्यूब चैनल है और तो खुद सब्सक्राइब किया कराया छोटे भाई ने, तो चलो एक और सब्सक्राइबर मिल गया छठ मैया का, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉगिंग के छोटे से एक महीने के कैरियर में सबसे एक्साइटेड मैं आज इस चीज के लिए हूँ, तो क्योंकि दिवाली के बाद जैसा दिवाली का इतना बड़ा त्यौहार है हमारे हिंदू धर्म में, वैसे ही छठ पूजा भी उतना ही महत्व रखता है यूपी बिहार के लोगों के लिए खासकर। तो नज़दीक से ये अनुभव लेने का आज बहुत बढ़िया मौका मुझे मिला, वो भी पंजाब में रहकर। कोई यूपी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई बिहार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो पंजाब में लेते हैं आज छठ पूजा का नज़ारा। Thank you.
एप्पल एप्पल नहीं है भाई ये, एप्पल नहीं है ये, वो है थोड़ा सा बताएंगे आप छठ के बारे में, यानी अभी कितने दिन ये चलता है और क्या हिस्ट्री है इसमें, थोड़ा जोर से आज से कल तक भैया दो दिन का होता है और मतलब दो दिन तक ना बिना कुछ खाए पिए ये तीन दिन हो गया और अभी शाम को सूरज को अर्घ्य देंगे ठीक है अच्छा अच्छा मतलब बहुत बड़ा त्यौहार होता है बिहार का सबसे बड़ा बहुत बढ़िया मेरे को भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मिला है मैं टीवी पे ही मैं भी देखता था कि अभी टीवी पे चल रहा है क्योंकि न्यूज़ वगैरह में भी आ रहा है अरे फर्स्ट टाइम ऐसा मिला कि यहाँ पे आके अनुभव करने का मौका मिल गया यहाँ पे नहीं तो कहाँ अगर आपको सोचा होता कि यूपी जाना पड़ेगा बिहार जाना पड़ेगा एक्सपीरियंस किया देखने के लिए पूजा का वो यहीं मिल गया पर थोड़ा सा ये चीज़ खराब सी लगती है केमिकल थोड़ा पानी वगैरह साफ रहे पर चलो वही है त्यौहार तो मनाना ही है मतलब आज इसका क्लोजिंग है आज क्लोजिंग हो जाएगी और इसके बाद में जो ये पूजा की सारी सामग्री ये फल वगैरह होते हैं प्रसाद के ना ये सभी में रात को भी पूजे जाएंगे घर पे अपने देवी देवता को मतलब पूजे मनाएंगे जब तक सूरज नहीं निकलेगा अच्छा बहुत बढ़िया है आजकल घर जाना भी मुश्किल है ना ट्रेन में बहुत बुकिंग भी बहुत मुश्किल होती है चले फिर भी जो भी अरेंजमेंट किया हुआ है जिसने भी किया हुआ है काफी बढ़िया है उसी हिसाब से भी यहाँ पे भी यानी साफ सफाई करके तो ये खुद ही किया होगा लोगों ने ये घाट मतलब हाँ घाट वाली पूरी फीलिंग आ रही है यहाँ पे आज जो मतलब एक्सपीरियंस मैं ले रहा हूँ छठ पूजा का मतलब इसे मेमोरेबल और सोचा नहीं था पंजाब में रह के ये एक्सपीरियंस मैं ले पाऊंगा आज तक न्यूज में सुना था सबसे बड़ा त्योहार यूपी और बिहार के भाई बहनों का वो आप देखिए पंजाब में रह के आपको आप सोच नहीं सकते कि ऐसा आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा तो आप ये देखिए जैसा मैंने अभी बात की अपने कुछ यहाँ पे भाइयों से तो अभी डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा अगर मैं गलत ना कहूँ और सुबह सारी रात यहाँ पे पूजा अर्चना चलेगी जगराता यहाँ पे होगा और सुबह सूरज के उगने पे ये जो पूजा है वो खत्म होगी बहुत ही बढ़िया चीज भाई और आप लेडीज को देख सकते हैं यहाँ पे पानी में खड़े होके अर्घ देते हुए भाई और सबसे जो बढ़िया चीज है वो ये मुझे लगी यहाँ पे कि ये जो साफ सफाई जितनी भी हो सकती थी यहाँ पे कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कोई कुछ नहीं इन लोगों ने खुद सारा अरेंजमेंट यहाँ पे साफ सफाई की है यहाँ पे एक घाट वाली जो फीलिंग है वो यहाँ पे आ रही है बेशक पानी आपको खराब यहाँ पे लग रहा है पानी खराब मगर फिर भी जितना इन लोगों से हो सका बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ है यहाँ पे भाई अभी
अभी तो यहाँ पे लोग आना शुरू हुए हैं अम्बाला और राजपुरा से, मतलब अभी तो यहाँ पे देखने में कुछ भी भीड़ नहीं है, मगर मुझे लगता नहीं कि मैं उतना समय यहाँ पे रुक पाऊंगा, मगर कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके फिर भी जितने ज्यादा ज्यादा मोमेंट्स है वो मैं कैप्चर कर सकूं। ये यहाँ से ऊपर से पुल जाता हूँ जो शंभू टोल के पास पुल है, राइट साइड को आप जा रहे हैं, अगर लेफ्ट साइड को आप जाओगे तो इस साइड आपका पटियाला की तरफ जा रहा है, राइट साइड के लिए आपका माला की तरफ है, और बिल्कुल उसके पास में ये छठ पूजा यहाँ पे संपन्न होती हुई। और आप लोगों का देखिए किस तरह बोले तांता लगा हुआ, मतलब कितने लोग हैं जो घर नहीं जा पाए छठ पूजा पे, यहीं पे पूरा अरेंजमेंट करते हुए और यहीं पे पूरे हर्षोल्लास से अपने परंपरागत तरीके से छठ मैया का जो त्योहार है वो पूजा है उसको करते हुए। मन तो नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, मगर समय ज्यादा हो रहा है तो जाना यहाँ से पड़ेगा। इतना ज्यादा बोलना अब इतनी आदत नहीं रही, पर इट्स अ मेमोरेबल, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग, बहुत ही अच्छा। और इतने बड़े किसी त्योहार को दूसरे प्रदेश के किसी इतने बड़े त्योहार को इतने नजदीक से देखना, वो भी उस प्रदेश में ना जाके किसी और प्रदेश में, बहुत ही अच्छी फीलिंग। और आशा करूंगा कि ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि नई चीज इसमें देखने को मिली, और जितना हो सके इस ब्लॉग में अपना प्यार दीजिए और बाकी ब्लॉग्स को भी प्यार दीजिए, और परमात्मा ब्लॉग्स को दीजिए इजाजत। मिलते हैं बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ, धन्यवाद। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy and so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked.